मैं हमेशा मैं जब जब आप डिस्कशन में पार्टिसिपेंट करता हूं तो मैं हमेशा बोलता हूं कि लोग हमारे हारने की चर्चा करते हैं, जी जीतने की कभी चर्चा चर्चा नहीं करते। जिस सर, तरीका से हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी हार गई, भारतीय जनता पार्टी हार गई है बार बार, और हमेशा ये बहुत से माध्यम चैनल वाले तो बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं, जी लेकिन हम, मैं बोला ना कि हम अभी 22 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है। जी 75% से ये जो भूभाग है, जमीन है इस देश की, उसके ऊपर हमारा साम्राज्य है। इसके बारे में कोई अच्छे तरह से चर्चा नहीं करता। ठीक है, हम हार गए, लोगों ने हमको, कर्नाटक के लोगों ने हमको यानी पसंद नहीं किया, हमको हमारे से ज्यादा उन्होंने कांग्रेस को पसंद किया है, तो ठीक है, हम तो हमने वही ऑलरेडी हम एक्सेप्ट किया है। हमने, हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पराजय है हमारा, हमने वो एक्सेप्ट किया है। हमारे महाराष्ट्र के जो नेता है माननीय देवेंद्र जी, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। हम सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, वही तो हमारी कमी रह गई होगी, कोई गलती होगी हमारे से हुई होगी, जिसकी वजह से उस जनता ने हमको यानी हमको एक जगह पे यानी बिठा दिया है। तो हम कोई भी पराभव पराजय हम स्वीकार करते हैं, और जी उसके बारे में आगे हमारा पराभव क्यों हुआ है, हम पराजय हमारा क्यों हुआ है, इसके जी बारे में भारतीय जनता पार्टी हमेशा चिंतन करती है। चिंतन करने वाली पार्टी है, हारने के बाद छोड़ देने वाली नहीं है। दुरुस्त पिछले बात नौ है, साल में कितने कितने स्टेट से कांग्रेस वाले हारे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई उनके चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, कभी अंतर्मुख होकर कभी कोई सोच रहे नहीं है कि क्यों हम हार रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सोचने वाली पार्टी है।